हम देखते हैं कि कुछ म्लेच्छ सरफिरा जहन्नुम की कारस्तानी टाइप के लोग हिंदुइज्म और हिंदुत्व की डेफिनेशन देने में लगे रहते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि सही मायने में क्या है हिंदुइज्म और क्या है हिंदुत्व। प्रभु राम 3 दिन तक समुद्र तट की पूजा करते रहे सेतु निर्माण के लिए, किंतु कुछ उपाय नहीं मिला। ये है हिंदुइज्म। पर उन्हीं श्री राम ने जब धनुष उठाया और बाण चढ़ाया, तब समुद्र देवता त्राही त्राही करते हुए श्री के चरणों में आ गिरे। ये है हिंदुत्व। पाकिस्तान के साथ कितने धैर्य और संयम के साथ बातचीत की, ट्रैक टू डिप्लोमेसी किया, डोजियर डोजियर भी खेला, लेकिन आतंकी हमले नहीं रुके। ये है हिंदुइज्म। लेकिन एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक बार एयर स्ट्राइक हुई और औकात में आ गए। ये है हिंदुत्व। जब जाति क्षेत्र ऊंच नीच के बीच में बटे थे, तो बेचारे रामलला टेंट में विराजमान थे। ये है हिंदुइज्म। पर जब यूनाइटेड स्पेक्ट्रम ऑफ हिंदू वोटर्स हुआ, तो श्री राम का 161 फीट ऊंचा राम मंदिर बन रहा है। ये है हिंदुत्व। जब 80 करोड़ हिंदुओं को उनके ही देश में कहा जाता है कि मंदिर तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ये है हिंदुइज्म। पर जब वोट पाने के लिए दत्तात्रेय गोत्री बनकर कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर भटका जाता है, ये है हिंदुत्व। जो शिव सुंदर और कल्याणकारी होता है, वही कराल भाल पट्टिका रुद्र भी होता है। जो बंसी बजाने वाला और माखन खाने वाला कृष्ण होता है, वही सुदर्शन चक्रधारी केशव भी होता है। अमृतत्व फूलता है जिसमें, वो है हिंदुइज्म, और संहार झूलता है जिसमें, वो है हिंदुत्व। इसलिए हिंदुइज्म और हिंदुत्व कोई अलग नहीं, एक ही ईश्वर के दो रूप है। एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला, एकदम अपने योगी जी जैसे। सो द बॉटम लाइन इज दैट वी आर रेजिलियंट बाय कल्चर, नॉट बाय चॉइस। जय श्री राम।